पूरे भारत के कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती में भाग ले पाएंगे। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, आपको यहाँ पर सभी स्टेट के नेम दिए गए, यानी कि आपको यहाँ पर सभी राज्यों के नाम दिए गए। कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, कुछ आपको यहाँ पर सभी राज्य के नाम दिए गए हैं। इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कम्प्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो इंडियन आर्मी की ओर से ओपनली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि भारतीय सेना की ओर से नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि पूरे भारतीय कैंडिडेट इस भर्ती में भाग ले पाएंगे। और अगर आप कम से कम 8वीं पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, यानी कि अगर आपने 8th पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई है जीडी कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन की, आपको यहाँ पर वैकेंसी भी दी गई है। इस भर्ती में दौड़ होगी, 15 मार्च से आपके यहाँ पर दौड़ भी स्टार्ट हो जाएगी। किस स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पर किस एड्रेस पर जाना होगा दौड़ लगाने के लिए, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और उसका नेम रहेगा वो इंडियन आर्मी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि आप इसकी ओर से भर्ती चलेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप इसको यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे फास्ट अपडेट मिलता है, जैसे कि लेटेस्ट वैकेंसी, लेटेस्ट एडमिट कार्ड हुआ, सिलेबस हुआ, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर समय समय पर प्रोवाइड की जाती है। तो आप इसको यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको इस ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको जो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है, यानी कि टोटल जो वैकेंसी होगी तो नोट मेंशन, यानी कि नहीं बताया गया कितनी वैकेंसी निकाली गई है। और कभी भी इंडियन आर्मी जब भी ओपनली भर्ती कराती है तो उसमें मेंशन नहीं करते कितनी वैकेंसी यहाँ पर इस बार निकाली गई है। जो यहाँ पर टोटल वैकेंसी होगी नोट मेंशन, यानी कि नहीं बताया गया है। जो पोस्ट नहीं मिले टोटल, आपको यहाँ पर 3 प्रकार की वैकेंसी दी गई है। जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए होगी, ट्रेडमैन 8th पास और ट्रेडमैन 10th पास के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा डायरेक्ट भर्ती होगी, यानी कि जिस एड्रेस पे मैं आपको बताऊंगा उस एड्रेस पर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस आपको जेरोक्स भी लेकर जानी होगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है उसकी जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे प्रोवाइड आपको करा दूंगा। जिस भर्ती का जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जॉब करेंगे ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 21,700 लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल रहेगा, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, यहाँ पर सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जीडी पोस्ट के लिए जो आपके यहाँ पर एज लिमिट रहेगा 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर के बीच में होना अनिवार्य है। जो ट्रेडमैन की वैकेंसी होगी 17.5 ईयर से लेकर 23 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो इस भर्ती में आप आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती में आपको कोई एज में छूट भी नहीं दी जाएगी, यानी कि जो असिस्ट है 5 ईयर की छूट मिलती है, ओबीसी वालों को 3 ईयर की छूट मिलती है, वो रूल यहाँ पर इस भर्ती में लागू नहीं होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती में फिजिकल डिटेल यानी कि हाइट वेट आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगा। जो यहाँ पर नॉर्मल कैंडिडेट रह गए, यानी कि जनरल ड्यूटी ट्रेडमैन के, अगर आप जाना चाहते हैं इस भर्ती में, जो आपकी हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना अनिवार्य है। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है तो 162 सेंटीमीटर आपका हाइट होना अनिवार्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम जरूर बताकर जाना। जो आपका वेट होना चाहिए कम से कम 50 किलोग्राम होना अनिवार्य है। जो आपकी यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए केवल केवल मेल कैंडिडेट के लिए 70+5 सेंटीमीटर का फ्लॉ भी होना अनिवार्य। जो आपके यहाँ पर रनिंग टेस्ट होगी, यानी कि जो आपके यहाँ पर दौड़ होगी 1600 मीटर की, आपके यहाँ पर दौड़ लगानी होगी, यानी कि 1.6 किलोमीटर की आपके यहाँ पर रनिंग होगी। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड से कम में लगाएंगे तो आपको यहाँ फर्स्ट ग्रुप में ले जाएगा। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पर सेकंड ग्रुप में लिया जाएगा। सेटअप्स आपके यहाँ पर नहीं होंगे, पुशअप्स आपको यहाँ पर 10 लगाने होंगे। अगर आप इस भर्ती में जाना चाहते हैं तो आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। एजुकेशन सभी डिटेल इन डॉक्यूमेंट के, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस आपको जीरोक्स यानी फोटो कॉपी भी आपको यहाँ पर लेकर जाना हो सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद। आपको यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशन की सभी डिटेल, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, स्कूल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, एफिडेविट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप इस भर्ती में नहीं जा पाएंगे। अगर आप इस भर्ती के हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी
दी गई है। अगर हम इस भर्ती का एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है 45% अंकों के साथ, हर सब्जेक्ट में आपके 33 नंबर भी होना अनिवार्य। जो ट्रेडमैन की वैकेंसी होगी सिंपल 10वीं पास होना अनिवार्य है, बस आपके हर सब्जेक्ट में 33 नंबर भी होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन में आपको पोस्ट वाइज बता दूंगा। जो इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यानी कि दौड़ होगी, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम रहेगा। इस भर्ती में इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, 15 मार्च को आपको यहाँ पर जाना होगा, उसमें आपको डॉक्यूमेंट चेक होंगे नॉर्मल तरीके से। फिर आपके यहाँ पर ओपन वाली भर्ती की दौड़ होगी 16 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि दौड़ होगी 16 मार्च को होगी। उसके बाद से आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट फिर से होगा 17 मार्च को, आपको यहाँ पर फुल डिटेल के साथ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद से आपके यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे मेडिकल ऑफ कैंडिडेट 18 मार्च को आपका यहाँ पर जो मेडिकल होगा वो आपका यहाँ पर रहेगा। अगर आप इस भर्ती में जाना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के सामने आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप यहाँ पर वो भी चेक कर पाएंगे। आप यहाँ पर इसमें देख पाएंगे आपको यहाँ पर स्टेट का नाम बताया गया है। अगर मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊँ तो आप यहाँ पर वैकेंसी के बारे में चेक करेंगे, आप यहाँ पर चेक कर में जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती में जा पाएंगे। यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में आती है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। आपको यहाँ पर सभी जानकारी दी गई, अगर आप 10वीं पास है 45% अंकों के साथ तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, बस आपके हर सब्जेक्ट में 33 नंबर भी होना अनिवार्य है। सभी जानकारी के लिए आपको यहाँ पर ये वाला नोटिफिकेशन रीड करना होगा, जो ये वैकेंसी निकाली गई है ये यहाँ पर सिख रेजिमेंट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, आप यहाँ पर वो भी चेक कर पाएंगे। ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, यानी भारत के किसी भी राज्य से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पर आप नेशनल स्पोर्ट पर्सन भी है तो भी आप इस भर्ती में भाग ले पाएंगे। सभी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर दी गई है, आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट स्कैन जो करने होंगे जिस जीमेल आईडी पर करने होंगे उसकी जानकारी आप यहाँ से ले पाएंगे। सभी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।